Exercise 13th example. Suppose the spheres A and B in exercise 1.12 have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो आपको find करना है new force of repulsion. Question में आपने देखा, राइट? चलिए इसे समझते हैं हम लोग. यहां पर मेरे पास चार्ज स्पीयर ए है, ठीक है? ये स्पीयर ए है. दिस इज गोइंग टू मेक कॉन्टैक्ट विथ अनदर स्पीयर सी विच इज न्यूट्रल. एट राइट नाउ इट्स चार्ज इज जीरो, राइट? और यहां पे मान लीजिए चार्ज आपके पास क्यू है. तब आपके पास यहां पे कॉम्बिनेशन करने पे, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाने पर A और C, यहां पर क्या हो जाएंगे? दिस इज Q by 2 और Q by 2. आपको ये बात पता है, when if charges, if two spheres are identical to each other, मतलब एक दूसरे से एकदम सामान्य है दोनों स्पीयर, तब दोनों स्पीयर को कॉन्टेक्ट करने पर दोनों स्पीयर के चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. इसलिए यहां पर क्या हुआ, चार्ज ये तो न्यूट्रल है, यहां पर चार्ज Q है. तब क्या हुआ, दोनों चार्ज कांटेक्ट करने पर q by 2 मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. अब मैं क्या करूंगा, स्पीयर बी को जिसके पास भी चार्ज कितना है, q है, इसको करूंगा c के साथ कांटेक्ट, राइट? अब c के पास कितना चार्ज है, q by 2 जितना. तो इन दोनों चार्ज को कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होगा, देखिए आप, इन दोनों को मैं कॉन्टेक्ट करूंगा तो आपको यहां पर चार्ज मिलेंगे विच इज 3q by 4, और यहां पर चार्ज मिलेंगे 3q by 4. ये कैसे हुआ, देखिए यहां पर q plus q by 2, तो ये क्या होगा, 3q by 2 चार्ज होगा टोटल. और जब इनको मैं दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तब डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 3q by 4 बन जाएगा. इसलिए यहां पर दोनों पर चार्ज कितने आए, 3q by 4. अब आप देखेंगे, मैं कांटेक्ट कराऊंगा स्पीयर ए को जिसमें चार्ज कितना है, q by 2, किसके साथ, बी के साथ, क्योंकि मुझे पूछा है आफ्टर डूइंग दिस व्हाट इज द फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स बचता है, मुझे वो कैलकुलेट करना है. जबकि बी के पास चार्ज कितने हैं, 3q by 4 जितने, राइट? चलिए ये चार्ज है तो इनके कॉम्बिनेशन में क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो ये मुझे चार्जेस तो मिल गए. देखिए तब क्या होगा, यहां पर देखिए फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज नाउ क्या होगा, फोर्स एफ इज इक्वल टू, आप लिखेंगे के, क्यू वन चार्ज कितना है आपके लिए, इट इज क्यू बाई टू, और क्यू टू चार्ज कितना है आपके लिए, इट इज 3q by 4. तो यहां पर होगा 3q by 4. डिस्टेंस बिटवीन टू स्पीयर जो आपको एग्जाम्पल 1.12 में देखने को मिला है वो डिस्टेंस कितना था, 50 सेंटीमीटर, विच इज 0.5 मीटर. तो वहां पर हम यहाँ पर भी वही डिस्टेंस लेंगे, 0.5 मीटर होल स्क्वायर. तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज के, और वैल्यू सब्सटीट्यूट, मतलब मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पर, आर स्क्वायर. तब यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी 3/8 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये होगा ना. अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, इट इज 3/8, या इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, राइट? तो वो भी रख सकते हैं आप, इट इज 9 × 10⁻⁹. चार्ज इन एग्जाम्पल 12 इज 6.5 × 10⁻⁷ होल बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मैंने कहा था आपको, तो 0.5 होल स्क्वायर. आप इसे कैलकुलेट कीजिए, ठीक है? कैलकुलेट करने पर आंसर मिलेगा 0.5625 × 10⁻², राइट? ये आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू.